हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12। तो गाइस अभी हैं हम जम्मू में, तो आज सलीम भाई भी चला गया हुआ है, तो अपनी ये रही गाड़ी। तो अपना फिलहाल अब माल की तलाश में है लोडिंग की, तो जब लोड बन जाएगा तो तब निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल वेटिंग में है क्योंकि अपना लोड की तलाश में है। तो ये देख लो इधर कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं खाली, तो अपन भी तलाश में है लोडिंग की। तो सुबह सुबह अभी नहा धोकर आ गए, फ्रेश होकर आ गए, तो चलते हैं पहले चाय वाय वगैरह पीने के लिए। तो चाय पी लेते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है अगला। यहाँ पे भी कंपनी है सामने, कश्मीर रोडवेज। ये देख लो गाइस एलपी गाड़ी की एस गाड़ी। अरे तो गाइस अपना गाड़ी यहाँ बड़ी ब्राउन में आगे खड़े हैं, कजवानी चौक से आगे थोड़ा। तो अभी लोडिंग के लिए तलाश में थे, तो भेजा था कंपनी वाले ने लोडिंग के लिए, और अपना लोडिंग का अभी वो बोरे कंफर्म नहीं है। मतलब क्या, वो बोरे आधा माल तैयार है, तो आधा माल अभी शायद बोरा तैयार होगा तो बताते हैं। तो यहाँ पे सामने चाय वाला ढाबा है, पी लेते हैं चाय। सीमेंट का खर्चा कोई नहीं है, भारी है। हेलो गाइस, तो अभी हम हैं जम्मू में, तो लोड का अभी नहीं बना को प्रोग्राम श्रीनगर के लिए, तो देखते हैं अब क्या होता है। सलीम भाई भी चला गया हुआ है, तो गर्मी में यहाँ पे बहुत सारी थोड़ी गुम सी हो गई है, तो बाकी चलो देखते हैं अब क्या होता है। तलाश जारी है अपनी लोडिंग की श्रीनगर के लिए, तो देखते हैं शाम तक कोई बन जाए प्रोग्राम। गाइस अभी फाइनली लोडिंग हमारी चालू हो गई है, वो गाड़ी आ गई जिसमें से पल्टी करना है, ये वाली गाड़ी है JK02BP7147, और इस अपनी गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट। ये अपने मुंशी जी बाबू जी हैं, तो गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओ यार क्या बात करते हो आप, 20,000 रुपए का कौन सा, कोई गाड़ी ओवर हाइट नहीं है। तो गैस अभी भी हमारी गाड़ी लोड नहीं हुई है, आधी हुई लोड, तो अभी शाम पड़ने वाली है। तो दूसरी गाड़ी मेरे साथ की थी वो भर के चली गई है अपने इलाके की, तो अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा मैच ही देख लेते हैं। तो चलो आज लोड हो जाती तो कार्रवाई हो जाती अपनी। तो गैस अपनी गाड़ी होगी लोड, अभी रस्सा तरपाल कर लेते हैं तो फिर निकलेंगे आस्ते आस्ते। तो गैस अपना गाड़ी लोड करके आ गए हैं अभी पेट्रोल पम्प पे, टाइम हो गया है 9:00, डीजल डलवा लेते हैं पहले, तो फिर उसके बाद निकलेंगे। फिलहाल अभी डीजल पंप पे हैं, ये एक टेम्पो लगा हुआ है ये डाल ले, तो फिर हम डालेंगे निकले सीधा। फिर अपना वो रहे अपने सौरभ भाई। तो गाइस अभी हम डीजल डलवाने लगे, ये रहे अपने सूरज भाई। और सूरज भाई बढ़िया मज़े में भाई, डालने लगे तेल नीचे से तो ऊपर से नहीं जाता यार। तो गाइस अभी अपनी टंकी में जाएगा डीजल, देख लो स्टार्ट हो गया डलना, देखते हैं कितना पड़ता है। डमटाल से फुल करवा के गए थे तो डाल रहे हैं, ये अपने प्रदीप भाई पैसे गिनती कर रहे हैं।
चलो फिर श्रीनगर की जर्नी। हाइट बहुत हो गई गाइस, देख लो आपको हाइट दिखाते हैं, देख लो अपनी गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। है टेंशन वाली बात है, चलो यार क्या करना है, देखते हैं। अंडरलोड माल है और हाइट हो गई है बहुत ज़्यादा। अकेले बंदे ने दरपाल लेबर वालों से लगवा के मरवाई यार। सलीम भाई चला गया, बहुत याद आ रही है। तो डीजल बहुत जा रहा, तो कट खा ले, कट खा ले, साढ़े वास्ते भी थोड़ी रख ले भुख। चलो आज हमने गाड़ी लोड कर ली और तरपाल रस्सा तो ओके है, तो एक साइड से छोटी पड़ गई ना, इसलिए नीचे वाली तरपाल दिख रही है। तो चलो यहाँ पे बढ़िया तेल मिलता है, एक नंबर भरोसा, आंखें मुट के यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं आप। अभी हमारा डीजल हो गया है 147 लीटर। तो गाइज अपनी टंकी होने वाली है फुल, देख लो कितना तेल जाता है। एक 173 लीटर हो गया और इधर भी टंकी होगी फुल, हो गई टंकी फुल 187 लीटर 73.15 15,600 का। तो गाइज फाइनली अभी नरवाल चौक से निकल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ, तो अपना बस आस्ते आस्ते अब चलते हैं श्रीनगर की तरफ, निकल पड़े हैं आज। सलीम भाई तो है नहीं है, सलीम भाई को बहुत मिस कर रहे हैं। तो गाइस वहां से चलने के बाद अभी पहुंच गए हैं बंद तलाट टोल प्लेजे के ऊपर। यहां से आगे दो छोटे छोटे टनल आएंगे, लेकिन यहां पे देखना कांटे पे, अभी जैसे गाड़ी चढ़ी हमारी तो ये बोलेगा भाई ओवर लोड है। अब देखना माल अंडर लोड ही है, लेकिन बोलेगा ओवर लोड है। कितना वजन होया? 14.5। तो यहाँ पे आज हमारा वजन है 7 टन ही, क्योंकि लाइट वेट माल है ना, परचून हाइट है बिलाशक, लेकिन माल एंटर लोड ही है। अब 14,500 में से माइनस कर लो, अपनी गाड़ी भारी है 70-72 क्विंटल की है, मतलब 7.5 टन के आसपास में माल है, 7 ही टन है, क्योंकि डीजल टंकी हमने फुल करवाई ना इसलिए। तो चलो चलते हैं, ये देखो फोन लगा हुआ है और अभी आगे देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं, पहला नाका हमारे को कहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो गैस अभी ये टनल, पहला टनल आ गया है, अभी इस टनल के अंदर एंट्री मारेंगे, कारों वाले भी जा रहे हैं रास्ते आते हैं। अब लोड गाड़ी है ना, थोड़ा मतलब उतना मतलब भाग के नहीं जा सकते, तीसरे चौथे गियर में जा रही है, आगे कार वाला जा रहा है, देख लो। तो चलो चल रही है लगातार ही।